हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ मैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलो, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल, जो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, ये हमारे पास मैंने प्रेजेंटेशन तैयार कर रखी है आप लोगों को समझाने के लिए किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिक मेन मुद्दा है बेसिक कंप्यूटर होता क्या। प्रेजेंटेशन का काम अभी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें पावर पॉइंट बाद में सीखना है। तो मैं प्रेजेंटेशन को प्ले करता हूँ। यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल मैंने लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज, जिसके थ्रू हमारा पूरा कंप्यूटर ऑपरेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड में है क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज़ यूज टू डू सम वर्क इन शॉर्ट टाइम, सम आर कैपेबल ऑफ डूइंग मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन सिंगल सेकेंड। कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है, इसका यूज़ हम कम से कम टाइम में करने के लिए करते हैं, किसी भी काम को कम से कम टाइम में कंप्लीट कर सकें। सम आर कैपेबल ऑफ डूइंग मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन सिंगल सेकेंड, मतलब मिलियन नंबर को कैलकुलेट कर सकता है सिंगल सेकेंड के अंदर। एक और मेन डेफिनेशन दी है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा टाइपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन ए वेरिएबल प्रोग्राम। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है किस चीज़ के लिए, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा के लिए। टाइपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन ए वेरिएबल प्रोग्राम, ये हमेशा बाइनरी फॉर्म में ही काम करता है। इंस्ट्रक्शन जो हमें आते हैं वेरिएबल प्रोग्राम के थ्रू वो स्टोरेज करता है, जिसके थ्रू हमारे पास वो आंसर देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, कुछ मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कंप्यूटर से रिलेटेड। हिंदी नेम ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में बोलते हैं संगणक यंत्र। उसके नीचे है एक और, इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नेम परम 8000, जिनका इन्वेंट हुआ था 1 जुलाई 1991। कंप्यूटर फादर्स नेम, जिसने कंप्यूटर को बनाया इन्वेंट किया लेके आए, चार्ल्स बेबेज, 26 दिसंबर 1791 टू 18 अक्टूबर 1871। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम अपने कंप्यूटर फुल फॉर्म। एक चीज़ का ध्यान देना, कंप्यूटर की कोई भी फुल फॉर्म आपकी फिक्स नहीं होती, जो भी आप बोलोगे सारी सही होगी, बट रिलेटेड आपकी कंप्यूटर प्रोसेस से होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ प्रेजेंट किया है, सी फॉर कॉमन, ऑपरेट मशीन, पर्टिकुलर यूज टू टेक्निकल एजुकेशन एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट स्लाइड, डिवाइसेस एंड कंप्यूटर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर का डिवाइसेस। डिवाइस का काम क्या होता है, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो फोर टाइप्स के डिवाइस हैं, इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। इनपुट के मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कीबोर्ड माउस। आउटपुट के एग्जांपल लिखे हैं मॉनिटर प्रिंटर। स्टोरेज के एग्जांपल लिखे हैं एचडीडी पेन ड्राइव। प्रोसेसिंग का लिखा हुआ है सीपीयू। इनके फुल एग्जांपल एक अलग से प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, उस पर मैं सबके एग्जांपल सहित कुछ और एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट लिखा है मैंने, व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है हमारा और सॉफ्टवेयर क्या होता है। हार्डवेयर, वी कैन टच एंड फील एंड ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी हमारे फिजिकली पार्ट्स होते हैं उनको टच एंड फील कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन लिखी है मैंने, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। नीचे लिखा है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। हमारे कंप्यूटर में टू टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टार्ट और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर हमारा वो होता है जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन देना होता है हम किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। सेकेंड है इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और सिंपली सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। सेम डेफिनेशन मीनिंग है, किस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं उस चीज़ की पहले हमें पूरी कलेक्शन इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर देनी, वो सॉफ्टवेयर के अंदर देनी होती है, जब ही जाके वो सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क करता है। इसमें भी हमारे पास टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल टू कंप्यूटर। मैंने नीचे डिफाइन करा है, विदाउट हार्डवेयर या विदाउट सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर सकते। कुछ मैंने यहाँ पे हार्डवेयर इंटरनल और एक्सटर्नल कंपोनेंट या फिर पार्ट बोल सकते हो आप, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, लिखा हुआ है क्या क्या हमारे इंटरनल पार्ट्स में आते हैं और क्या क्या एक्सटर्नल पार्ट्स में आते हैं। एक्सटर्नल में आता है हमारे पास कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सिस्टम यूनिट मतलब कैबिनेट, स्पीकर, सीडी डीवीडी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और माइक्रोफोन। एक्सटर्नल का मतलब ये है जो हमारे बाहर की तरफ होते हैं, मतलब जिनको हम बाहर से यूज कर सकते हैं। इंटरनल आपके वो होते हैं जो सिर्फ इंटरनल वर्क करते हैं, आपको दिखते नहीं है। HDD, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, SMPS, CD-ROM, ड्राइव, साउंड कार्ड, रोम, इंटरनल फैन, ग्राफिक कार्ड एंड सेक्टर। नेक्स्ट पे आते हैं हम अपने, अब आता है सॉफ्टवेयर्स। मैंने बताया टू टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो उस टाइम पे जो भी प्रोग्राम उसके अंदर आ जाते हैं या ऑलरेडी होते हैं वो सारे आपके सिस्टम। एग्जांपल में लिखा है पेंट, वर्डपैड, नोटपैड, कैलकुलेटर, MS DOS एक्सेट्रा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम ऑफ ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिजाइन फॉर एंड यूजर, मतलब जिनको यूजर्स के बेस पे डिज़ाइन किया गया है वो सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। एग्जाम्पल MS ऑफिस आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेस हो गया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में टैली हो गया, ग्राफिक में आपका कॉरल ड्रो हो गया, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रोग्रामिंग में सी, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। नेक्स्ट यहाँ पे आपकी वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू आपने वीडियो देखा, तो प्लीज़ मैंने लास्ट में लिखा हुआ है शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। इस चैनल का नाम है मेरे का कंप्यूटर एजुकेशन नॉलेज। थैंक यू।